हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोहन झा और आज इस वीडियो में मैं आपको SSC MTS जिसकी वैकेंसी बस आने वाली है जून 2, 2020 को इसकी वैकेंसी आने वाली है, यानी 2 जून से इसका एप्लीकेशन भरा जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो ये निश्चित कर लें SSC के आप ऑथराइज्ड वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ये फेक नहीं ये रियल है। तो चलिए पूरी जानकारी आज इस एक वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन, सिलेबस, स्ट्रेटजी, टिप्स, हर चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, सीधे पॉइंट पे आते हैं। SSC MTS तो SSC का फुल फॉर्म जानते होंगे शायद, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये हमारे कंट्री की सेकंड लेवल की एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है। तो ये SSC MTS का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो MTS क्या है? मल्टी टास्किंग सर्विस। ये किस लेवल पे एग्जाम होता है? ये 10th लेवल पे होता है, मैट्रिकुलेशन लेवल पे। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आप इंटर में है, ग्रेजुएशन में है, बिल्कुल भर सकते हैं आप ये फॉर्म। तो ये वैकेंसी जो आने वाली है इसमें आखिर क्या क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। ये वैकेंसी आएगी 2 जून को, 2 जून से पूरे जून तक, फर्स्ट वीक जुलाई का भी ये फॉर्म फिलअप होगा। तो सिर्फ ₹100 का चार्ज होगा, आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम इसका किस तरह का होने वाला है? तो एग्जाम इसका 2 स्टेज में होगा। फॉर्म भराने का जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है जून 2, 2020 से, और ये फॉर्म भराएगा कब तक? 15 जुलाई 2020 तक। और इसका जो एग्जाम होगा पेपर 1 जो कि ऑनलाइन होगा वो 26 सितंबर से 13 नवंबर 2020 तक होगा, और पेपर 2 कब होगा? मार्च 1, 2021 में इसका एग्जाम होगा, मार्च 1, 2021। जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ GA का क्वेश्चन होगा, GK का क्वेश्चन होगा। और ये 90 मिनट का होगा यानी 1.5 घंटे का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और ये जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 यानी कि ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम, वो आपका 30 मिनट का होगा, जिसमें कि आपको शॉर्ट एसे या लेटर यानी निबंध या पत्र लिखना होगा, जिसमें सिर्फ एक ही आपको लिखना होता है। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का होगा, या आप हिंदी इंग्लिश या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं, किसी भी अपने रीजनल लैंग्वेज में भी आप इसको दे सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो पेपर 1 है उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा उसमें बेसिक इंग्लिश है, ग्रामर है, सिनोनिम्स है, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम्स, कहने का मतलब है जनरल इंग्लिश में जो आपका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है और बेसिक इंग्लिश है क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। और जो रीजनिंग का पार्ट है उसमें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल, नंबर सीरीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, यानी आप जहाँ से भी रीजनिंग पूरी तरह से पढ़े हैं उस कॉपी को रिवाइज करें, कोई एक अच्छी ऑथेंटिक बुक्स लें MTS का और उसको पूरा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस पर्स का क्वेश्चन का कलेक्शन देखें और उससे अपना आइडिया डेवलप करें। और साथ ही साथ जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, रेशियो एंड टाइम। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स के नाम है, लेकिन आप मैथमेटिक्स जहाँ भी जो आपका जनरल मैथ्स है कॉम्पिटिशन के लिए वो आप पढ़े हैं उसी में से ये सारे चैप्टर्स लिए गए हैं, तो उसी का आप फुल रिविजन करें और एक बुक्स अच्छे से प्रैक्टिस करें MTS लेवल का। और साथ ही साथ जो GK का या GA जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसमें स्पोर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटी जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें, इस तरह के कंटेंट से क्वेश्चन लिए जाएंगे। और भी इसके अलावा करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो इसका पेपर 2 है उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, जो भी आपका अपना रीजनल लैंग्वेज है चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है या कोई दूसरी है, उसमें आपको निबंध या पत्र लिखना होता, हेडेक नहीं लेना है, ये बहुत आसान है। अगर आपका पेपर 1 क्लियर होता है पेपर 2 जरूर क्लियर होगा आपका, और उसके लिए काफ़ी टाइम भी मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो?
कैसा लगा आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर बनता है इसके लिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हिट द बेल आइकन, बेल आइकन को हिट करें, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको टच कर दें, सब्सक्राइब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त सोहन झा, बाय बाय।